What's up, everyone? आ जाओ आ जाओ आ जाओ. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? All right. 1:38. We start in 2 minutes. Not two, 1 minute. Bro, when is hustle auditions? Hustle auditions, भाई जो भी होगा lockdown के बाद ही होगा. So just wait for the lockdown to finish. And आज का special announcement है कि आज से अगले पांच जो रैपर्स आएंगे वो इंटरनेशनल रहेंगे. बेसिकली अपने देसी रैपर्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं. सो इट इज़ गोना बी लाइक एन इंटरनेशनल वीक. तो जो भी रैपर्स आ रहे हैं वो इंडिया के नहीं हैं, वो बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं. और सबसे पहले आज जो आने वाले उनका नाम है कालरो एंड ही इज़ फ्रॉम टोरंटो कैनेडा. सो ध्यान से सुनो अपने देसी रैपर्स को जो बाहर रह रहे हैं, वहाँ का सीन कैसा है, हाउ दे स्टार्टेड एंड एवरीथिंग. किंग कब आ रहा है? किंग बहुत जल्दी आएगा. एंड अगेन कल किस किसने देखा एमटीवी हसल फ्रॉम होम 7 बजे एवरी संडे 7 o'clock. जाओ देखो. एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कालरो टू ज्वाइन एमटीवी हसल फ्रॉम होम विथ मी योर होस्ट परितोष परमार. एंड आई विल सी अगर कालरो ने ज्वाइन किया है तो बहुत मजा आने वाला है. कालरो मेरा भाई, वेयर आर यू? जिस जिसको जो भी क्वेश्चन है, ही इज फ्रॉम द कैनेडा. रिस्पेक्ट दैट ही इज गिविंग अस टाइम. वहाँ पे टाइम डिफरेंस है, वहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि वहाँ के लोग भी जुड़ रहे हैं. एंड जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन. उसके अलावा अगर कुछ किसी को कुछ पूछना है, कमेंट करो नीचे. व्हाट्सअप एवरीवन, व्हाट्सअप. किंग आएगा बहुत जल्द आएगा. स्ट्रेट फ्रॉम कैनेडा कालरो सर. किंग आएगा बहुत जल्दी आएगा भाई. किंग को बुलाएंगे. कैसा है भाई? अबे यू? बहुत बढ़िया ब्रो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई. क्या चल रहा है लॉकडाउन? यहाँ पे सब बंद है ब्रो. अभी थोड़ा चालू हुआ है आज, बट सब बंद है. ओके. थोड़ा आवाज कम आ रहा है. आई थिंक यू हैव टू बी थोड़ा लाउड. ओके ओके, लेट मी नो अगर ये सही है. ये सही है. ओके okay. ये सही है. कूल. सब ठीक है भाई, सब ठीक है. फिलहाल वेटिंग फॉर लॉकडाउन टू गेट ओवर, बट एवरीवन इज सेफ. सर्कल में सब सही है, ऑल गुड. कुछ स्ट्रेस जैसा नहीं है, बट या ऑफ कोर्स जो भी है पूरी दुनिया में सेम सिचुएशन है यार. हाँ यार, मेरी बहन भी लाइक वो भी डॉक्टर है यहाँ पे, वो भी काम करती है. तो हमको भी लगता है कि लाइक यू नो बहन वगैरह से मिल भी नहीं सकते आजकल, तो काफी रिस्क है यू नो. चल भाई बता, शुरू करते हैं. हाउ यू गॉट इनटू रैप? सबसे पहले सब पहला क्वेश्चन. हाउ आई गॉट इन रैप? सो मैं रैप में लाइक आप मेरे को पूछ रहे हो देसी हिप हॉप की रैप इन हिप हॉप लाइक जनरल में लाइक हाउ लाइक व्हेन यू थॉट कि यार मुझे ये करना है, लाइक दिस इज समथिंग आई लव. हाँ हाँ हाँ. तो मैं आया था मुंबई 2015 में, एंड वहां पर मैंने रेडियो पे थोड़े से हिप हॉप ट्रैक्स सुन लिए थे. आई थिंक गली शेर, जंगली शेर, वो वाला ट्रैक मैंने सुना था रेडियो पे. और तब से ही मैं मुंबई के हिप हॉप सीन में काफी इन्वॉल्व हूँ. पहले से मैं लाइक पंजाबी रैप सुनता था थोड़ा बहुत, बट मेरा मेन इंटरेस्ट अपने देसी हिप हॉप सीन में तब आया जब हमारी मुंबई में यू नो सीन बढ़ा. तो फिर वहां से मैंने फॉलो करना चालू किया. यू नो मैंने नेजी भाई को बहुत फॉलो किया वहां से, एंड डिवाइन भाई को ऑफ कोर्स फॉलो किया. फिर वहां से मेरी धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगी. मैं खुद लिखता भी था पोएट्री अपने आप. सो धीरे धीरे आई कन्वर्टेड दैट पोएट्री इनटू रैप. You know, one of the nights I was just bored and मेरे को ऐसा लगा कि like you know चल rap लिखते हैं. तो मैंने मेरा पहला गाना मैंने एक रात में लिख दिया. Like मेरे को समझ भी नहीं आया कि मैंने गाना कैसे लिख दिया. तो right. बस ऐसा सीन हो गया. और फिर कहाँ से कहाँ like you know एक कदम से दूसरे कदम. Tell me something about नया पैसा, वो गाना जो अभी latest हुआ. Guys जिसने नया पैसा नहीं सुना जाके सुनो YouTube channel पे. Yes, भाई के प्रोफाइल में जाओ, फॉलो करो भाई को. रहमान सर का एक ट्रैक है रहना तू दिल्ली सिक्स का. ओके
वो मुझे मुझे बीट वो सैम्पल करनी थी और मुझे उसकी मुझे एक गाना बनाना था. तो मैंने वो बीट का एक रफ ड्राफ्ट बनाया और फिर मैंने उस पर लिखना चालू किया और मैंने नया पैसा का पहला वर्स पूरा लिख दिया उस बीट पर somehow वो यू नो फिगर आउट हुआ नहीं पूरा गाना, तो मैंने उसको छोड़ दिया. एंड देन आई केप्ट डेवलपिंग नया पैसा आगे विद अदर म्यूजिक विद अदर एलिमेंट्स. एंड नया पैसा इज इसेंशियली मतलब इट्स एन ओड टू इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट हु आर फाइनली यू नो गेटिंग गेटिंग द अटेंशन दे डिजर्व एंड यू नो दे आर गेटिंग देयर ड्यू. You know, so it's about a rapper's journey. It's about an artist's journey actually. It's about an artist's journey ki like artist kaise apne aap ko apne like samaj ke you know thode se ek rules hote hain usse kaise break off karke artist kaise ek janm leta hai. Right. Aur kaise artist ko like society mein kafi agar jab tum artist bante ho tumko society mein aur khud ke andar bhi kafi sare struggles aur kafi jang ladni padti hai. तो वो उसके बारे में नया पैसा. और नया पैसा लाइक आई लव द ट्रैक, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. हमने शूट भी बहुत सही की थी नया पैसा की, एक दिन में हमने पूरी शूट की थी बाहर. यहाँ पे मैं कनाडा में रहता हूँ, टोरंटो में. इफ आई डिडंट नो, तो हम जिस दिन शूट करने गए थे बाहर उस दिन -20 था यहाँ पर. वाओ. और हमारे पास लाइक यू नो वी शॉट ऑन आईफोन कैमरा और हमारे पास एक ही पेयर ऑफ ग्लव्स था. तो लाइक क्रेजी शाउट आउट टू प्रदीप परमार, बहुत सही किलर किलर कैमरा वर्क. चेक करो एक बार yes. जाके. यस यस लेट्स गो. भाई नाम का क्या सीन है? योर नेम हैज दिस आर वर्ड लाइक आर लेटर व्हिच इज लाइक अ रुपीस का सीन. सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट? ओके, सो रुपी का सिंबल व्हाई आई पुट इन द आर इज बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए था. यहाँ पर आप बड़े बड़े आर्टिस्ट देखोगे, एसएप रॉकी, यू नो जोई बैडास, दे हैव ऑल डॉलर सिंबल इन देयर साइन एंड देयर नेम, यू नो. एंड मुझे ऐसा लगता था कि यू नो अपने देसी आर्टिस्ट में भी हम अगर न्यू वेव लेकर आ रहे हैं तो वी शुड हैव अ रुपी साइन इन इट. तो पहले right. मैंने डालने की कोशिश की थी पर मुझे स्टोर्स ने रिजेक्ट कर दिया था. लाइक मुझे स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था. तो मुझे काफी लाइक काफी मशक्कत करनी पड़ी थी मुझे आर लाइक लगवाने की और फिर उसको लाइक सर्चेबल करवाने की. तो अभी भी मेरे काफी दोस्त मुझे पूछते हैं कि लाइक ब्रो तेरा नाम लाइक मेरे को तेरा गाना मिलता नहीं है और तेरा वीडियो मिलता नहीं है. यूट्यूब या स्पॉटिफाई जिस पर भी हो तो उस पर जाओगे तो के ए एल एंड रूपी sign rupee r yes report, then you'll be able yes. to find me. Main kaam kar raha hu us pe bhi like taki sab log dhoond paaye mujhe. You know agar aap asap rocky mein asap likhte ho to aapko mil jata hai but you know rupiya mein nahi milta yaar. That's a new thing. All the new desi rappers also need to focus like hum, you know, we unite right. against all this kind of racialized discrimination. Bhai kuch sunao yaar, let's have some small boom bap. Yes. Hustle style boom bap. Anything. Acha beat aa rahi hai. Haan. Let's go. It's a boom bap. It's a boom bap vibe. It's Karl Rowe from Toronto. MTV Hustle from Home. Kya? Check. नशे का प्यार, लड़की से प्यार, एक देता मार, दूसरी दुकार, लिख लो यार, मेरा मजहब, मेरा नाम, हैसियत, मेरा साहस, करके दिखाना वो काम, जिस काम पर लिखा मेरा नाम, दूर दूर तलक दिखे ना, मुझे कोई सास, ना कोई बार्स, बर्फीले शहर का मैं, एक लौता राज, सीन गया है जाग, हिंदी हिप हॉप, मैं डाली जान, हसल है हार्ड, भाई पर आए देश में, हसल है हार्ड, भाई जबानी रेस ये, हसल है हार्ड, भाई शब्दों का क्रेज है, हसल है हार्ड, भाई देसी अंग्रेज में, दीवाने खास, जेब में मेरे धारा हुआ संघर्ष का नया पैसा, जादू हर रात क्यों, राहत है पास यूं, संयम से काम लूं, करे आराम तू मशाल को मैं थाम लूं, हाँ, है देखे सपने लाख, कुछ सपने रख कुछ दौड़े अंदर बनकर आग मुख्य धारा में बोलते मुझे अपराधी हिंदी हिप हॉप में डाली जान हसल है हार्ड भाई पर आए देश में हसल है हार्ड भाई जबानी रेस ये हसल है हार्ड भाई शब्दों का क्रेज है हसल है हार्ड भाई देसी अंग्रेज में ये क्या बात है क्या बात है फुल पावर थैंक यू भाई थैंक यू सो मच. इट्स अ ट्रैक मेरा अपकमिंग एक ट्रैक है देसी अंग्रेज करके हम्म उसका एक स्निप है यू नो ओके ओके
भाई हाउ डू यू डिफाइन योर स्टाइल, अगर तेरे को किसको बताना है कि लाइक योर दिस इज माय स्टाइल, तो हाउ डू यू डिफाइन इट? ब्रो मेरा एसेंशियल सीन यही है मेरा कि बिकॉज़ आई कम फ्रॉम टू कल्चर्स, सो आई ट्राई टू ब्लेंड बोथ दोस कल्चर्स इन माय म्यूजिक. आई ट्राई टू कीप इट देसी एट द सेम टाइम आई ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरनेशनल. So, मेरा वाइब यही है कि आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम एंड नो वॉट आर द न्यू साउंड्स विच आर हैपनिंग इन हिप हॉप. देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक कमिंग आउट ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड, जैसे जहाँ पे लाइक नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे मैं रहता हूँ. तो मुझे क्या करना है कि हमारे देसी हिप हॉप को एक ब्लेंड करना है उसमें, और एक और चीज है कि मुझे इंटरनेशनल देसी को एक आवाज देनी है. कैनेडा में लाइक कैनेडा और नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर हिंदी हिप हॉप नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हिप हॉप के लिए काफी स्पेस है यहाँ पर, और काफी लोग हैं यहाँ पर जो हिंदी हिप हॉप बोलते हैं, लाइक हिंदी बोलते भी हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हिप हॉप को मुझे यहाँ पर ज्यादा प्रमोट करना है. नॉर्थ अमेरिका में एक हिंदी हिप हॉप की जगह बनानी है. तो दैट्स माय वाइब एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग फॉर. बट हाउ इज द सीन इन कैनेडा ओवरऑल, अदरवाइज कैसा सीन है? सीन बहुत देख रहे हो कैनेडा, स्पेशली टोरंटो, तो हिप हॉप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है राइट नाउ, बिकॉज you know Drake is from Toronto, is the biggest city in hip hop. You know, abhi pura world lockdown mein tha pichla teen hafta mein, but Drake ne 2c slide nikala, Tory Lanez ne album nikala, like Toronto was on top. So hip hop mein Toronto ki bahut vibe hai 100%, but apni desi rap ki scene thodi kam hai. Of course there is legendary Punjabi hip hop artists which have come out of Toronto. You know, Sidhu Moosewala came out of Brampton. His whole movement started from Brampton. But Hindi and even apna Tamil rap bhi hai, you know. There is a lot of Tamil rap as well. But Hindi rap ki bahut kami hai bro North America mein, and I want everybody who is listening India mein ki like India mein to bhai Hindi hip hop ki scene hai, but abroad itni nahi hai. तो आप प्लीज आओ सपोर्ट करो, यू नो वी आर ट्राइंग टू मेक अ मूवमेंट यहाँ पर. एंड आपके जितने भी आपके लोग हैं, कोई आपका अगर रिलेटिव रहता हो अब्रॉड उसको भी बताओ कि लाइक ये पॉप यहाँ पर, ये हिंदी पॉप ये भी. I think the shout out to you know Hustle guys, when we were talking about you know doing this live session, so they were the first one who told ki you know NRI jo apne log wahan par hai who are doing desi rap and all, to unko you should get in touch, and you know jo bhi log viewers jo dekh rahe unko bhi pata hona chahiye ki it is you know it is not easy also, because jo situation chal rahi hai at the same time wo support bahut zaruri hai jahan pe, for example platform like Hustle jo itna step forward hoke kar raha hai ki you know get in touch with them, unko bulao live pe. So we thought of putting an you know international week jahan pe ek hafta sab bahar ke apne desi log aayenge. So I think it is mujhe bahut sahi laga, and you know shout out to MTV Hustle, because yeah. Wo log you know underground artists, real underground artists ko support kar rahe hain, you know across the desi hip hop spectrum. To mujhe bahut maza aaya dekh ke, main aapke kafi lives dekha bhi hu pehle, मुद्दा यही था कि एवरीवन इज होम, जो भी लोग देख रहे हैं दे शुड गेट टू नो द आर्टिस्ट, कौन सीन में है कौन नहीं है, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनका हिस्ट्री, हाउ दे वर्क, उनका डे टू डे लाइफ क्या है. सो वो एक मोटिव था वेर वी कीप इंस्पायरिंग अलॉट ऑफ न्यू कमर्स, और जो देख रहे हैं मतलब जो व्यूअर्स है उनके लिए, कि इट इज नॉट यू नो किस लोग को वो नहीं होता कि यार यू नो सबको सब चीज इजी लगती है, बट व्हेन यू लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल तो उनका बैकग्राउंड स्टोरी पता चलता है यू नो कैसे हसल कर रहे हैं, दैट इज द मेन मोटिव. या मेरा ब्रो मेरा यही सीन है कि लाइक मैं हमेशा से म्यूजिक में कनेक्टेड रहा हूं, बिकॉज मैं स्कूल में म्यूजिशियन था, और मुझे इंडिया से बहुत लगाव है. लाइक जो भी आदमी मुझे पर्सनली जानता है उसको पता रहेगा कि मुझे इंडिया से कितना लगाव है. और मुझे ऐसा मेरी फाइनल एम ये है कि लाइक इंडिया में हम एक कल्चरल रेनेसांस लेकर आए, एंड मुझे लगता है कि हिप हॉप उसका एक जरिया बन सकता है, यू नो इट कैन अवेकन द मासेस, एंड दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग, दिस इज माय लिटिल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट, यू नो दैट. ऑफ कोर्स यार. या ब्रो Wicked Sunny is here, Faisal is here. Shout out to the team members. Shout out to the culture family in Mumbai, bro. Yo. It's like my hip hop family in Mumbai, 100%. Keep it real. Yes, bro. yes. Rishabh Engineer is here. Shout out to Rishabh. Let's go. क्या बोल रहे भाई? यहाँ पे सीन में कौन कौन पसंद है अपने लोग छोड़ के, मतलब overall I'm talking about Indian scene में. बहुत जबरदस्त आजकल तो बहुत नया कंटेंट निकल रहा है भाई.
एक अभी मैंने देखा एक रैपर है यू नो मुंबई में एक क्रू है बंटाइज क्रू सेवन बंटाइज एंड इवन एक न्यू क्रू है बमाइज क्रू उसके भी बहुत रैपर हार्ड है ब्रो लाइक मुझे बहुत पसंद आया उनका सीन मेरा उनके साथ एक कोलैब आई एम वर्किंग ऑन अ कोलैब विद देम ओके उनके साथ एक मैं गाना ड्रॉप करूंगा डेफिनेटली मुझे बहुत सही लगा मुंबई की वाइब बहुत अभी सिक आ रही है और दिल्ली एंड यू नो पंजाबी नॉर्थ साइड राजस्थान शाउट आउट राजस्थान हिप हॉप यू नो राजस्थानी हिप हॉप इज आल्सो डूइंग वेल गुजरात में भी मेरे थोड़े से दोस्त हैं इट्स ऑल डूइंग प्रीटी वेल मैन लाइक ईपीआर फ्रॉम चेन्नई ऑफ कोर्स क्रेजी लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया जग रहा है यू नो हिप हॉप में डोंट यू फील कि अभी दिस इज द राइट टाइम जब इंडिया में इतना हॉट है तो यू हैव टू बी यहां पे होना चाहिए था इंडिया में ब्रो मन तो हमेशा इंडिया में ही है यू नो क्या बात है मेरी इच्छा तो है लाइक इंडिया कभी ना कभी लाइक यू नो एज सून एज आई कैन आई विल कम ब्रो बट अभी तो ये क्या सीन हो गया है मेरे को समझ नहीं आ रहा है इंडिया का कब कमर्शियल फ्लाइट खुलेगा और क्या होगा नॉर्थ ईस्ट को भी शाउट आउट ब्रो असम से शाउट आउट नॉर्थ ईस्ट को शाउट आउट या या एक शाउट आउट what role does an artist have in a society because we live in such a society not I'm talking about the west but you know as you said you blend both the culture yahan ka bhi wahan ka bhi so what do you see in ek artist ka society mein role kya hota hai ek artist ka role society ko aaina dikhana hota hai bro mere hisab se bahut sare artists jo entertain bhi karte hain and that's fine but mere hisab se main ek central jo theme hota hai har artist ka wo hai society ko ek aaina dikhana and society ki जो आपको सोसाइटी में दिखता है वो आप अपने म्यूजिक में यू नो इम्बाइब करना उसको एंड मैं वही लिखता हूँ जो मुझे सोसाइटी में दिखता है मेरे एक और एक मेरी लाइन है यू नो 7 साल बाहर बैठा मैंने देखा बहुत जो देखा वो है लिखा सब यू नो तो जो देखते हो आप लिखो अपनी एक्सपीरियंसेस भी आप बयान करो उसमें एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस टू सोसाइटी में काफी सारे इमोशंस दबे रहते हैं और यू नो उसको बाहर लेकर आना और मुद्दों को वर्ड्स देना और फीलिंग्स को वर्ड्स देना और लोगों की भावनाओं को कम्युनिकेट करना आर्टिस्ट कैन बी अ वेरी बिग बिग थिंग इन द सोसाइटी ही कैन बी अ वेरी बिग चेंज मेकर ब्रो मेरे को बता जब व्हेन यू राइट अ सॉन्ग डू यू गो इनटू सम जोन या फिर कैसा होता है लाइक यू व्हाइल ट्रैवलिंग क्या कभी मतलब ऐसा लाइंस कब आते दिमाग में कुछ ऐसा बैठना पड़ता है उसके लिए कभी भी आ जाते हैं कभी भी आ जाते हैं लाइन्स सुबह उठ के याद आ जाते हैं कभी सोते सोते लाइक 3 बजे रात को उठ के आ गया एक लाइन तो मैंने फोन पे लिख दिया बस में ट्रैवल कर रहा हूँ लाइन आ जाती है किधर भी लाइन आ जाती है पहले मैं ऑफिस में काम करता था ऑफिस में लाइन आ जाती थी कहीं ना कहीं बट सो लाइक किधर भी लाइन आ सकती है जोन या डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग स्पेसिफिक अगर आपको उसके लिए जोन बनानी है तो आप उसके लिए जोन बना सकते हो एंड यू नो यू कैन वाइब टू सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक एंड कोई रूल्स नहीं है तुम जहाँ से पिकअप करते हो वहां से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है एंड तुम्हारे पास जो अवेलेबल है तुम उससे स्टार्ट कर सकते हो तुम्हारे पास अगर सिर्फ एक फोन है एक पेपर और पेन है बस तुम उससे भी स्टार्ट कर सकते हो एंड अदरवाइज अगर तुम्हारे पास पूरी स्टूडियो है तो तुम उसमें गाना भी बना सकते हो लाइक मैं वही पूछने आया था मेरा अगला सवाल यही था कि जो जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं या जो देखेंगे बाद में लाइव सेव होने के बाद सो दैट वन मैसेज यू वांट टू गिव टू द न्यू कमर्स कि यार जब जिसने लिखना अब तक अभी शुरू किया है नया नया शुरू किया है लिखना उसके लिए अगर कुछ कोई सजेशन अगर दे सकते तो Somebody saying can't hear sound. Can you hear me now? Yes. हाँ थोड़ा लाउड हाँ न्यू रैपर्स के लिए सजेशंस तो भाई इट्स जस्ट अबाउट इट्स अबाउट कीपिंग द ग्राइंड ऑन एंड यू नो I think one of the biggest thing which helps an artist improve as a rapper is the amount of rap you start writing in the beginning. So, aap kitna likhte ho aur aap bas likhte jao aur aap khud ko record karo phone par ya aapke paas jo bhi available hai us par record karke aap khud ko baar baar suno aur aap apne jo aapke jo chahiye artists hain unke saath apni rap rakho aur aap compare karo ki kahan main improve kar sakta hu aur kahan nahi kar sakta hu.
उससे आपकी स्केल में अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगा. और यू नो अपनी अपने कान खुले रखो, म्यूजिक सुनो, बहुत सारा म्यूजिक सुनो. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड कंटेंट प्रोड्यूसर, यू गॉट टू बिकम अ गुड कंटेंट कंज्यूमर. सो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को अपनी होराइजन बहुत वाइड रखनी चाहिए. Just keep hustling, man. Like every day you keep learning, never give up. You know, growth mindset, never give it up. नहीं, आई थिंक म्यूजिक वाला पार्ट बहुत सही बोला. बिकॉज कैसा है ना कि बहुत सारे यंग रैपर्स है जिसने लिखना शुरू किया है, तो अगर मेरे को रैपर बनना है ना तो मैं सिर्फ रैप ही सुनूंगा और मतलब ऐसे लिरिक्स पे ही ध्यान दूंगा. इसके लिरिक्स मतलब वो बीट वाला और म्यूजिक वाला पार्ट काफी लोग इग्नोर करते हैं. हाँ, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आई वुड से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इट इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज योर लिरिक्स. सम पीपल वुड से इट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. हां, बट एक एक आपको एक नॉलेज रहनी चाहिए कि सो म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है. एंड अगर आप म्यूजिशियन बनने चाह रहे हो तो डेफिनेटली ब्रो, लाइक म्यूजिक म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है. सो मेरे को बता कि हाँ, मैं कुछ पूछ रहा था, भूल गया. हाँ, सो मैं पूछ रहा हूँ. सेकंड, can you hear me? आवाज गई, I guess. मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ, bro. Okay. इधर थोड़ा lag हो रहा था इसके लिए. That's good. Let's go. Yes, bro. हाँ, so मैं पूछ रहा था कि एक मिनट आ, थोड़ा one second. हाँ. तो मैं पूछा था कि अभी what is next, like how is मतलब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा सबसे पहली चीज गाने में मतलब म्यूजिक सीन में क्या होने वाला है, क्या कर रहा है नेक्स्ट? मैं अभी एक काम कर रहा हूँ एक रिकॉर्ड पे. उस गाने का नाम है सात समुंदर पार. ओके, इट्स अ ट्रैक विद मी एंड टोरंटो बेस्ड राजस्थानी रैपर डॉक्टर कुश. इट्स अ कोलैबोरेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इमिग्रेंट एक्सपीरियंस in Toronto. Mm-hmm. And we're talking about house, mm-hmm. we're talking about the city, we're talking Okay, nice. And उसके बाद I'm working on a lot of stuff, bro. उसके बाद like मेरे को year end के पहले एक बड़ा full length project drop करना है. So whatever you wanna call it, EP, album, जो भी है, like मेरे काफी सारे अब I have a lot of stuff which is coming through. So yeah, I'll be working on that. Nice. You know? सही. भाई Windchill के बारे में बताओ कुछ यार. भाई मैंने जब क्रिएटिव लाइक चालू की थी मेरी व्हाटएवर आई स्टार्टेड, मैंने पहले स्टार्ट की थी फिल्म मेकिंग से एंड उसके बाद मैं फोटोग्राफी में गया और फोटोग्राफी के बाद मैं म्यूजिक में आ गया. तो म्यूजिक में आते आते मेरे जो ब्रांड थी, ये जो मैंने एक मूवमेंट यहाँ पर चलाई थी Windchill करके. Windchill इज एसेंशियली, इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर ठंड होती है और लाइक -10 degrees वेदर होता है और उसके ऊपर जब हवा चलती है तो और ठंड लगती है. इट फील्स लाइक -20. सो दैट इज कॉल्ड द Windchill इफेक्ट. ओ भाई, एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. हाँ ओके, अच्छा ओके, थोड़ी लैग है. एक ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू कंट्रोल ब्रेथ व्हाइल रैपिंग. यस, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन. ट्राई टू राइट योर ब्रेथ्स इनटू योर रैप. व्हेन यू आर राइटिंग, उसमें आप अपनी ब्रेथ्स इनकॉर्पोरेट करो अपनी. आप म्यूजिक जब आप यू नो यू कीप रिसाइटिंग योर रैप, उसमें आप चेक करो कि आपको कहां-कहां पे ब्रेथ की प्रॉब्लम पड़ रही है और उसको आप यू नो अपनी राइटिंग में फिक्स कर लो, या तो राइटिंग में फिक्स कर लो या तो छोड़ ही दो. लाइक यू नो सम बार्स यू कैन जस्ट लीव एंड लोग पीपल कैन कनेक्ट द डॉट्स. तो आप वो भी कर सकते हो. यू नो कोई कोई लोग वो करते हैं, कोई कोई लोग
Right. Yeah. Yep. That's how I do it. Okay. One second, ना थोड़ा हाँ अब आवाज आ रहा है मेरा थोड़ा लैग हो रहा था आवाज आ रहा है तो लैग तो हो रहा है थोड़ा सा मेरा आ रहा है यस यस आ रहा है आ रहा है आ रहा है लाइफ प्रॉब्लम्स हैशटैग फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हाँ और बता भाई व्हाट क्या अभी जो डिस्क के बारे में क्या सीन क्या चालू है कुंदा उधर तक आई कि नहीं आवाज सबसे पहले जो स्पेशली डिवाइन और इसका जो डिस्क हुआ अभी तो कनाडा तक आवाज आई कि नहीं लगा कि लाइक क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं यू नो इंडियन हिप हॉप में हमने कितना मेहनत करके यूनिटी बनाई है एक तो उसके बाद लाइक मुझे नहीं समझ में आया कि कांट हियर मी या सो मैंने जस्ट मुझे ये लग रहा था कि ब्रो राइट मुझे ये लग रहा था कि हमने इतनी यूनिटी बनाई है उसके बाद डिस्क का सीन मेरी पर्सनली प्रेफरेंस नहीं है बिकॉज़ आई वांट देयर टू बी ओनली पॉजिटिविटी इन द सीन मुझे कोई हेट नहीं चाहिए किसी के लिए हेट नहीं है मेरे मन में और किसी कोई भी आर्टिस्ट के मन में किसी और आर्टिस्ट के अगेंस्ट हेट नहीं रहना चाहिए बट दैट बीइंग सेड यू नो सबका अपना अपना वाइब है सबका अपना अपना बट हाँ उससे काफी अटेंशन मिला है सीन को तो वो अटेंशन पे हम हमारे सीन वाले जो भी सुन रहे हैं अभी ये अटेंशन को कैप्चर करो भाई लाइक दिस इज द टाइम टू शाइन यू नो दिस इज टाइम फॉर हिप हॉप टू शाइन और ये जो अटेंशन मिल रहा है हिप हॉप को उस पे आप कैपिटलाइज करो और उसको यूज करो टू टेक इट इन अ गुड डायरेक्शन एग्जैक्टली यस भाई एक ने मैंने पिन किया कमेंट यस इज फ्रीस्टाइलिंग फॉर रैपर और नॉट डेफिनेटली ब्रो डेफिनेटली फ्रीस्टाइलिंग इज फॉर अ रैपर 100% But there is a lot of rappers who don't freestyle also. And I think both are, you know, equally competent as artists. So rapper, haan, definitely. Agar aap MC ho, agar aap hardcore MC ho, to aap freestyle to karoge hi karoge. But agar aap khud ko like as an artist dekhte ho, aur aapko sirf studio mein rap karna hai, aur aapko sirf, you know, you want to keep it limited, to wo bhi aapki vibe hai. You know, har bande ka apna preference hota hai. And to each his own, you know. Definitely, I love freestylers. Bro, mera ek dost hai, bahut. ओके भाई जाते जाते कुछ सुना दे वापस लेट्स हैव वन मोर सो स्मॉल सो लेट्स गो सात समुंदर पार नेक्स्ट जो ड्रॉप आ रही है मेरी यस जो मेरी नेक्स्ट ड्रॉप आ रही है सात समुंदर पार अनरिलीज्ड स्टफ स्ट्रेट फ्रॉम द सिक्स Which will represent. Let's go. Shout out to Dr. Kush, shout out to Rajasthan Hip Hop. Let's go. Saat Samundar Paar mein sunhere sapno ki ek lambi si qatar. जादू नहीं है बात हर रात है यहाँ मौज है नशा है पर मजा वो मेरे देश वाला कहाँ है बॉम्बे तेरा आया पे स्ट्रीट पे बॉम्बे के तरह ने हूँ लाया मैं हर गीत में इट्स कार्लो फ्रॉम टोरंटो देसी मेरे यहाँ पे सारे के सारे ढीठ हैं सिक ये संगीत है बीट ऑन रिपीट है स्पिटर आग शहर की यही रीत है मेरा देश आज भी जबान पे बोलूंगा सच हिप हॉप की ऐसी जीत है टोरंटो शहर बना मेरे लिए है खास स्कारबरो से डाउनटाउन नया जादू नहीं है बात हर रात है यहाँ मौज है नशा है पर मजा वो मेरे देश वाला कहाँ है चेक इट शट आउट टू मुंबई सिटी ब्रो बैक होम आई लव इट मुंबई सिटी ये और भाई वही बंदे ने एक और क्वेश्चन पूछा इफ यू कैन गिव सम टिप्स ऑन इंप्रूविंग द फ्रीस्टाइल Tips on improving freestyle. Just keep freestyling. Whatever beat you get, just keep freestyling on it. What else, man? Like, practice is perfection. Practice will make you perfect, bro. Ek aur aaya. This is a nice question. Important. Lower or bars?
what is more important, floor or bars? Personally, I prefer floor. I prefer bar. Actually, okay. You know what? I love both. I can't discriminate, bro. Both floor and bars, both are important. Biggie says both are important. Yeah, both are important. Can you give some tips to improve rap writing? Yes, bro. You know, just I think like ek cheez to log bahut bolte hain ki like aap like likho to sahi, but aap dusre rappers ke bhi gaane suno and aap dekho ki wo log kya techniques use karte hain and kaise karte hain, you know. Aapko usse bhi kafi inspiration milegi. Creative ek zone aap apni banao, usme ek styling karo. Right. Aap apni khud ki ek style banao aur kyunki mereko kya lagta hai na, kabhi kabhi kaisa hai na, kabhi kabhi आवाज आ रहा है मेरे एक भाई का, मेरा आवाज आ रहा है ब्रो, गाने का बजाए क्या? क्या क्या एक दोस्त का रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे गाने का, बजाओ तो. गिव सम टिप्स अबाउट हुक्स. या हुक्स आर ट्रिकी ब्रो, हुक्स आर वेरी ट्रिकी. Hook is where the main element of the song is. Like, capture कर लेता है पूरा आपकी पूरी song capture कर लेता है hook की. Right. मैं भी learn कर रहा हूँ hooks लिखना and hooks you know hooks का मुझे भी लगता है कि even I have a lot to learn and hooks में आप सुनो hooks दूसरे hooks सुनो, you know it's all about listening to other people's music and learning from it and studying the game, bro. You study the game and you'll be able to understand. Study the greats, study the big names in the rap industry in the west and in India, and uske baad aapko pata chalega ki kaise ye log apni songs banate hain aur kaise ye log apni structuring karte hain, aur aapko apne aap ek vibe aayegi aur usse aap apne aap seekhoge, aapka aapke dimag mein apne aap words aane lag jayenge and you'll be able to do it. Right. Yes, so let's go. I'll do about it. It's one of my older songs. मेरे एक दोस्त से मैं करो let's do. कैसे use करें? उसकी मेरी verse मुझे ढूंढनी पड़ेगी. Yeah. Shout out to Puri. I just rap for me. नशीली रात मेरे यार मेरे साथ, करीम और पूरी तेरा खौफ मेरे यार, धावा है बोला और देख सीन में लगी आग, काल से मिला हूँ तुझे कर दूँ असली वाली दो बार, दावत है मेरी तेरे उन चाहते रैपरों को, फर्जी रैप करने वाले उन नकली एक्टरों को, मुंबई का स्वाद लाया टोरंटो सीन में, महफिल जमा दी होश उड़ा दी इनकी नींद में, बारी हमारी कलम ताकत स्किल्स है बेशुमारी, बारी हमारी बुरी नजर की तो जेब मारी, ओ हाँ जी हिंदी हिप हॉप पर डाका डाला, बारी हमारी सुनने की बेटा अब दुनिया सारी. Let's go. It's a little bit. It's a big song, but it's a little bit. मजा आ गया भाई. मजा आया ब्रो, बहुत मजा आया. All right, guys, we have more 2 minutes. जिसको जो भी पूछना है फटफट पूछ लो, because there's a time difference. वहाँ पे क्या time हो रहा है by the way? अर्ली मॉर्निंग रहेगा, अभी सुबह का 9 बजे है ब्रो. अपना मेरा पूरा रूटीन सेट कर दिया है ब्रो एमटीवी ने, मेरा रूटीन एकदम क्लीन हो गया. कैसा था ना, यू जस्ट नीड वन डे के जहाँ पे मैं सुबह उठू फिर वो रूटीन बन जाता है. यस मैं कब इतना लेट नाइट्स उसके बाद मेरे को एक दिन ऐसा वही चल रहा है यार, सबकी वही कहानी है. Yes sir. Shout out to everybody who's asking for shout out. Sir, basic batao. Basic kya batayenge? Basic. Yes. Basic bro, poetry likhna chalu karo apni khud ki, like aapki jo emotions hai usko likhna chalu karo, apne aap usme poetry ban jayegi aur usme aap dheere usko rap bana paoge. Crazy. How to improve rapping flow? It's easy. Try to alternate. Try to switch between styles. Don't keep it the same throughout the whole song. Try to switch. And this is something I learned, you know, much later down the line, but I can give to young rappers out there. Try to switch up and try to make it very, try to make it very different and create a vibe in your song, which, you know, there's a lot of difference and there's a lot of variance in it. Dynamism ek rakho apne gaane mein, usse aapki audience interested rahegi aapke gaane mein. Yes. All right.
भाई बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच भाई परितोष भाई, शाउट आउट टू द कल्चर, यू नो शाउट आउट मुंबई को बहुत लव, यो यस स्ट्रेट फ्रॉम टोरंटो, बहुत प्यार दो, कीप इट रियल, मिलते हैं भाई अपन बहुत जल्दी ये सब खत्म होने के बाद, यस सर, यस सर. Yes, sir, and thank you so much once again. बहुत मजा आया. Thank you for your time. Everybody keep and be safe. घर पे रहो, इधर जाओ मत. And yes, जो भी front line पे काम कर रहे हैं, definitely उनको like मेरी तरफ से बहुत बड़ा salute. And yes. आप please दूरी रखो and keep a safe distance and be very have a lot of precautions. Be very cautious. Yes. And stay safe, everybody. And peace out, man. Have some fun. Listen to some good music. Hindi hip hop बजाओ, bro. Yes, और जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं गो फॉलो कर लो, अब भी फॉलो करो, और जो भी है ही इज अवेलेबल, सीधा डीएम करो, सब डिटेल में बात करो, फॉलो करो एक दूसरे को, यस KALRO म्यूजिक, आ जाओ सब लोग आ जाओ, ठीक है, एंड वी आर आउट ऑफ टाइम, आई विल सी यू ब्रदर, लेट्स गो, लेट्स गो, टेक केयर, ओके ओके, टेक केयर ब्रो, पीस ब्रो. All right, guys, that was Carl Roof straight out of Canada, Toronto. I hope you guys had fun. And yes, so this week is all about international guys. Aaj ek tha, kal ek hai. Coming 4 days, it's going to be all guys from all around the globe. So, bahut maza aane wala hai. Kyunki ye bahut zaruri hai because we should know ki wahan pe jo desi log hai, wo kya kar rahe hai, kya soch rahe hai rap ke baare mein, Indian scene ke baare mein, wahan ka kya scene hai. And it's going to be a mix of everything. And yes, that's the fun. And I am your host, Paritosh Parmar. I'll see you tomorrow. Jao, follow to the culture, follow me. And if you have any questions, which I should ask personally, suggest me because it's very monotonous ho jata hai kabhi kabhi. So if you have any good questions, jo mujhe puchna chahiye, so mujhe follow karo, to the culture ko follow karo, drop me a message, drop me a DM. And I'll see you guys tomorrow, 6 o'clock. And hustle from home, ghar se bhi shuru ho gaya hai, TV pe, every Sunday, 7 p.m. Or 8 बजे तो MTV पे आ ही रहा है फर्स्ट सीजन, और जो जो लोग सेकंड सीजन का पूछ रहे हैं, गाइस अगेन द सिचुएशन इज वेरी टफ, सो ये सब खत्म हो जाने दो, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा सबसे पहला अनाउंसमेंट 2 का होगा, सो प्लीज यू नो एवरीवन इज वेटिंग, मैं खुद रुका हूं, ठीक है, और यस एनीवन वांट्स टू आस्क अ लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ पूछो भाई, क्या है सवाल, एनी क्वेश्चन, डोंट इग्नोर, नहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ भाई, एक शाउट आउट अंकित को, शाउट आउट सर, आप गाइज आई एम नॉट अ रैपर, तो मैं ये इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, होपफुली कल 6 बजे जो आएंगे उनको सब पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली राइट डाउन दिस क्वेश्चन, मैं पूछूंगा उनको, आपका आईडी का नाम बताओ सर, माय आईडी नेम इज परितोष परमार, नो डॉट नो अंडरस्कोर कुछ नहीं, PARITOSH PARMAR, All right, guys. किसी को कुछ पूछना है? I think we are done, and I'll see you guys tomorrow. MTV Hustle from Home every day 6 p.m. with me, Paritosh Parmar, representing to the culture. Peace. Bye, guys. Be home. Safe, ro.